और YouTube चैनल BSV अपडेट। तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट यहां पर इंतजार कर रहे थे कि स्कॉलरशिप जिसका नहीं आया, वो भी ज़्यादातर दोस्तों SC ST का तो आ चुका है और जनरल का, लेकिन BC EBC वाले बहुत ज़्यादा इंतजार। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ .NET ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और .NET ऐप पर ये कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी कोर्स सिर्फ .NET ऐप पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बिहार बोर्ड जुड़ी और भी खबरें चैनल पर मिलते रहे। यहाँ देखिए दोस्तों क्या बताया गया इस आर्टिकल में, क्या बताया गया कि देखिए 9.68 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप जल्द, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट बच गए तो उसको स्कॉलरशिप जल्द दिया जाएगा। यहाँ देखो 19 आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हम मेरे वीडियो पर कमेंट करते थे, 19 वाले भी कमेंट करते कि मेरा स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, 19 वाले। अब 20 वाले तो कमेंट करते ही हैं दोस्तों। यहाँ देखो 19, 20, 21, 22 का बकाए वजीफे का एकमुश्त भुगतान की प्रक्रिया शुरू, मतलब कि एकमुश्त सभी को दिया जाएगा। BC मतलब स्पेशली BC EBC को दिया, यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक पास के लिए यहाँ पर क्या बताया गया, राज्य अनुसूचित पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तकरीबन 10 लाख इस मैट्रिक पास स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने परिवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की राशि DBT के माध्यम से 1 माह के अंदर भुगतान करने का फैसला लिया है, मतलब और 1 माह लीजिए दोस्तों, 1 माह के अंदर सभी का पैसा आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए दिया गया है, पिछड़ा अति पिछड़ा मतलब BC और EBC के लिए दिया गया है कि उसका 1 माह का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए और क्या बताया गया स्कॉलरशिप को में, कि पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से भुगतान होता है, लेकिन इसके तकनीकी व्यवधान से 3 सालों से वजीफे का भुगतान लंबित था। आप लोग को पता है बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक पैसा नहीं आया है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और जितने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो जैसे वेबसाइट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख कर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप अलग से आप लोग को दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।